नमस्कार दोस्तों, मैं अपने भ्रमण के अगले पड़ाव पर आपको ले जाने निकला हूँ। ये जगह जो मैं ले जा रहा हूँ, ये पहाड़ पर एक शिवलिंग है गुफा के अंदर, जो भक्तों के बीच में, आस्थावान भक्तों के बीच में इसका स्थान है। मैं आपको वहाँ ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरी बाइक आगे बढ़ रही है और आप सामने एक पहाड़ देख रहे होंगे, जो छोटा सा पहाड़ दिख रहा है। हमारा प्रस्थान, हमारा डेस्टिनेशन उस पहाड़ तक है, जहाँ पहाड़ में एक गुफा है, गुफा में एक शिवलिंग है, जिस शिवलिंग की लोगों में आस्था है। उस शिवलिंग का दर्शन मैं आप लोगों को अपने इस भ्रमण के माध्यम से, विजिट के माध्यम से कराऊंगा। आप हमारे साथ देखिए, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि इस भ्रमण और विजिट के बारे में अधिकांश जानकारियाँ जो हैं हमारे द्वारा हमारे डिस्क्रिप्शन में, जो यूट्यूब का जो हमारा वर्णन रहेगा उसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप ये पहाड़ पर देख सकते हैं कि ध्वज भगवा ध्वज लहर रहा है। तीन ध्वज आपको दिख रहे हैं, एक और चार ध्वज आपको दिख रहा है। इन चारों ध्वजों के उस पार आप जब पहुंचेंगे हमारे द्वारा, तो आपको एक मंदिर देखने को मिलेगा। और ये बहुत ही सुरम्य जगह है, आसपास का माहौल, प्राकृतिक परिवेश अच्छा लगता है, मन को मोह लेता है। और ये जगह जो है उत्तर प्रदेश में सोनभद्र ज़िले में पड़ती है। सोनभद्र ज़िले में ओबरा नगर है, जो पावर प्लांट जहाँ पर है, वहाँ गजराज नगर नाम की जगह से 3 किलोमीटर दूर आपको ये डाला रोड पड़ती है, वहाँ पर आपको पड़ेगा। देखिए, मैं मंदिर के क्रमशः नज़दीक की ओर बढ़ रहा हूँ, मेरी बाइक नीचे बढ़ रही है। दोस्तों, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप चैनल को मेरे पसंद करें तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं इस तरीके से आपको और भी सुंदर और बेहतर वीडियो अपने ज़िले सोनभद्र की ला सकूँगा। भक्तों की भीड़ यहाँ आती रहती है और मैं देखिए धीरे धीरे करके उस मंदिर तक पहुँच गया हूँ। और अपने इस भ्रमण के क्रम के तहत मैं आपको आगे ले चलूँगा और आप देख सकेंगे मेरे द्वारा इस मंदिर को। दोस्तों, अपने प्रचार प्रसार के क्रम के अंतर्गत मैं एक और गुफा मंदिर में आज दर्शन करने आया हूं। और मेरे सामने इस गुफा मंदिर के युवा पुजारी जी हैं, जो मंदिर का नाम भी बताएंगे और मंदिर का थोड़ा सा वर्णन भी करेंगे। पुजारी जी, आप अपने बारे में बताइए और मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। पहले तो भक्तों को सभी कहना चाहते हैं कि हर हर महादेव। जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव से हम भोलेनाथ माई पार्वती का सोमवार का दिन है, शुभ दिन है बाबा का। हम कुछ बताना चाहते हैं जो भक्तों को, सबको मालूम चले। इस जगह का पूरा नाम है सिद्धपीठ शिव पार्वती अमर गुफा सलाई बनवा दुवरा घाटी बिल्ली मारकुंडी ओबरा सोनभद्र श्री श्री हर हर महादेव सेवा समिति इस कार्य को चलाती है। बहुत अच्छी। और आगे आइए, ये 27 मीटर गुफा भोलेनाथ माई पार्वती गणेश भगवान काली लक्ष्मी सरस्वती माता, जो जम्मू में वैष्णो माता के यहाँ तीनों देवियाँ बैठी हुई है, उनका साथ साथ विराजमान है। और आगे विष्णु भगवान का भी विराजमान है। ये 27 अब हम लोग गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आप ये देखिए, भगवा रंग से पूरी गुफा का प्रवेश द्वार जो है रंगा हुआ है। और पुजारी जी हम लोगों को घंटा बजाने के बाद अंदर ले चलते हैं। ये गुफा 27 मीटर की प्राकृतिक गुफा में जा रहे हैं, जहाँ माता पिता सिद्धपीठ शिव पार्वती अमर गुफा के अंदर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। हर हर महादेव नंदे पते पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए, बहुत ही खूबसूरत गुफा है। मैं घुमाने के क्रम के अंतर्गत फिर से एक गुफा में लेके आपको चल रहा हूँ। इसमें
लाइट की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। गुफा को देखिए, गुफा बहुत ही खूबसूरत है और ये हम आगे बाबा बढ़ रहे हैं। का ये पहला छोटा सा आकार है, गुफा है जो ये गुप्त अच्छा गुफा जिसे बोलते हैं, अच्छा ये प्राकृतिक है और ये अपने आप बना हुआ है। अच्छा ये जितनी भी इसकी कटिंग बनी हुई आप है, इसमें देख सकते हैं, अंदर तक जी प्रकाश जी डालने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जी और ये जी गुफा काफी बड़ी है और ये प्रारंभिक गुफा है, गुप्त गुप्त गुफा है, ये गुफा है गुप्त ये। गुफा है, इसमें द्वार देखिए बहुत छोटा है, बहुत छोटा है बिना वो। लेटे इसमें घुस नहीं और पाएगा यहाँ कोई। की सबसे बड़ी खूबसूरती है ये अपने आप प्रज्वलित पत्थर है, ये ये देखिए, अपने आप हाँ बढ़ते ये हैं। अपने आप हाँ इनमें, प्राकृतिक रूप से जी जी निर्मित जी है। इनमें कोई, इसमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है, ये भक्तों के सामने प्राकृति को कभी भी आके देख सकते हैं इस चीज को, क्योंकि ये प्राकृतिक है। ये 27 मीटर भोलेनाथ माई पार्वती का देखिए मैं फिर से महादेवी गुफा घुस रहा हूँ। ये गुफा बहुत ही गुफा ठंडी है, बहुत ही रास्ता संकरा है, लेकिन जो है बड़े हाँ सुकून और शांति है इस गुफा में। बाबा के दरबार में पहले आएंगे और तो हम आ आपको रहे हैं। गणेश जी का आशीर्वाद मिलेगा, पहले ये गणेश जी का लेना। देखिए पुजारी जी ने बताया जी कि पहले आप आएंगे विश्व तो में गणेश सबसे जी का पहले आशीर्वाद पूजा लेंगे। गणेश जी की होती और है और ये आप इस प्राकृतिक है। प्राकृतिक रूप से निर्मित पत्थर का आकार देख सकते हैं। ये पूरी तरीके से जैसे भगवान गणेश हो इस तरीके का है। पूरा और प्राकृतिक है जैसे और आपने नील हाथी रंग देखा पीला होगा, रंग गज देखा होगा, पूरा एकदम एकदम आकार हाथी बना हुआ हाथी है के आकार का गणेश जी ये का। जो है शिलाखंड है। और पुजारी जी ने बताया कि सबसे पहले आप गणेश जी का दर्शन करते हैं, तो जी हम लोगों ने भी दर्शन किया और धन्य हुए, और उसके आशीर्वाद प्राप्त बाद हुआ। ये है अंदर गुप्त रास्ता है जो अंदर जाता है, जो इसके अंदर वही भक्त जाते हैं जिनके पास थोड़ा दिल की धड़कन मजबूत होती है और थोड़ा सा लाइट की ऐसी इस प्रकार की रोशनी रहेगी और अंदर लेके चले जाएंगे। जब नवरात्र के महीने में आप लोग आएंगे नवरात्र के बाद, तो आपको ये पूरा 27 मीटर है ठंडा मिलेगा। आप ये देख सकते हैं कि इसका ये सकरा सा रास्ता देखिए, प्लेन रास्ता, कितना गजब है। ईश्वर की रचना है, सब कुदरत की देन है। जितना जितना भी ऊपर और देखेंगे ये ये सब आप इसी तरीके प्राकृतिक इसी महिमा तरीके से आप बाबा ऊपर देखिए, ऊपर भी जो है कितना बढ़िया ये निर्मित है और मजेदार है। की। इसको आप जिस भावना से देखें, जिस आस्था से देखें, आपको वैसा नजर आएगा। जितना भी है घर जैसी प्राकृतिक है दृष्टि सब वैसी अद्भुत है। सृष्टि, आपको जैसा समझेंगे वैसा समझ में आएगा। यहाँ हम 40 साल से आ रहे हैं साहब। हाँ ये हमारे अब बाबा मैं जी यहाँ है, एक भक्तगण है, जैसा कि एक वो बता हमारे रहे हैं कि वो बाबा है जो आपको कुछ 40 साल बताएंगे, कुछ साल से आ रहे हैं। आइए इनसे बताएंगे मिलते हैं। आपको आप थोड़ा सा बताएंगे। बताइए एक दो मिनट मंदिर के बारे में कुछ। यहाँ के बारे में बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पर हम लोग आते हैं, बहुत बड़ा मतलब हम लोग को फल मिला है, इसलिए हम लोग बराबर आते हैं। बहुत आस्था है हमारे आपको। लड़के जो है मतलब यहाँ पर हमेशा मतलब सहयोग अच्छा देते हैं अच्छा हर अच्छा एक मामले में, जैसे सब रंगाई चीजों में हुआ देते पुताई हैं। में, और अधिकांश मतलब समिति हम में लोग पूरा यहाँ तक सदस्य हैं। क्या क्या शुभ नाम है आपके बेटे का? राकेश यादव जी, राकेश यादव राकेश यादव। आपका जी, बॉस क्या नाम है? नंदलाल यादव, अच्छा। इस समिति में हर ये वक्त। बाबा के भक्त हैं। देखिए यहाँ जी पर जी ये जी 40 साल से आ रहे हैं और अभी भी जी ये इत्तेफाक से आए हुए थे, जब हमारी इनसे मुलाकात कोई इनसे भी हुई सहयोग है। मांगा जाता है तो हम जो लोगों भी को सहयोग बाबा माना नहीं मिलता है करते वो तो हैं, देते ये हैं, चाहे भोलेनाथ कुछ के भी दरबार देते में हैं। सच्चे मन से। और ये भोलेनाथ के बहुत पुराने भक्त हैं जो यहाँ से कुछ भी सब कुछ पाए हैं हम यहाँ से और सब कुछ हाँ पाए हैं, सब केवल कुछ नौकरी पाए हैं। करते थे, धंधा है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, इनकी अच्छा बहुत बड़ी कृपा बाबा हुई एक ढोलक है। बजा दीजिए बाबा का और आप थोड़ा सा। देखिए जो है यहाँ पे जो भक्त हमको मिले, जो इन्होंने बताया कि 40 साल से अभी यहाँ आते रहे और बाबा ने इनकी हर जो है मनोकामना जरूर पूरी बस की है। रुकिए रुकिए, बाबा का एक प्राकृतिक चीज और भी है और पूरी तरीके जो से अनुकंपा बरसती बाबा रही के है। दरबार में 27 मीटर में लोग आते हैं, सबसे पहले ढोलक को बजा के बाबा को प्रसन्न करते हैं, देखिए ये बजता है। तो अच्छा अपने अच्छा आप बाबा अब ये बजाएंगे देखिए, आपको ये बजा के ये दिखाएंगे। पत्थर है, देखिए घंटे जैसा होता है, देखिए कितने सुंदर म्यूजिक है इसमें, कितना अच्छा संगीत है। ये पत्थर है प्राकृतिक अपने आप ना, तो इसमें आपका घंटा आया ना कुछ भी ये प्राकृतिक घंटा है। देखिए यहाँ पर प्राकृतिक इसमें आपको किसी प्रकार का घंटा यहाँ नहीं टांगा गया, बाबा के दरबार में शंख के रूप में और ढोलक के रूप में ये प्राकृतिक रूप से निर्मित पत्थर अपनी खुद स्वयं में सेवा देता है और एक मधुर ध्वनि और एक दैवी संगीत उत्पन्न होता है। ढोलक की चाहे जितनी भी धुनें होती है सारी धुन निकाल लीजिए यहाँ से, सारी धुन आपको निकलेगी ढोलक की। और कितना भी ढोलक की धुन ऊपर, निकाल सकते हैं इसमें। हाँ ऊपर भी जितना भी देख रहे हैं सब पूरे आकार, ये सब पूरा प्राकृतिक है, क्योंकि हम लोग तो ये आप देखिए, मैं जो है इस गुफा की छत दिखा रहा हूँ, सीलिंग दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर जो है कितना बढ़िया एक आकार आपको दिख रहा होगा, आपको जैसा कि मैं लाइट दे रहा हूँ। आप ये देखिए कि एक अजीबोगरीब एक सुंदर सब रचना पूरा दिखाई दे रही प्राकृतिक है है। और सभी कुछ प्राकृतिक है। यहाँ आने के बाद आप अगर दर्शन के लिए आएंगे तो स्वतः आपका मन खुश हो जाएगा, यहाँ से सब जाने का सब मन सब नहीं कुछ करता देखने है, के बाद। और जैसा कि आस्थावान भक्त ने बताया कि यहाँ आने के बाद जाने का मन नहीं करता है ये और सारा एक गुफा पूरा खाली है, खाली है। जितना भी देख रहे हैं। और आप देखिए कि गुफा में एक आनंद है और काफी ठंडक। देखिए यहाँ पर जो है
दीप प्रज्वलन किया हुआ है। और ये बता रहे थे आप यहाँ पर नंदी नंदी बैठे हुए हैं, देखिए नंदी प्राकृतिक रूप से विराजमान है यहाँ पर, और इन्हें हमारा सादर प्रणाम। और ये आप देख सकते हैं कि अंदर किस तरीके से थोड़ी सी जगह है जहाँ पर बाबा विराजमान है। और अभी अभी मैं और आपको डिटेल्स यहाँ के बारे में दिखाता हूँ, भक्तों को दर्शन अपना देते रहते हैं। और शिवरात्रि पर यहाँ अच्छी खासी भीड़ होती है, शिवरात्रि में बहुत अच्छा भंडारा होता है, भोज होता है, और भक्तों का यहाँ पे एकदम अच्छी खासी भीड़, 40 से 50 हजार श्रद्धालु यहाँ आते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को ये भगवान का गुप्त रूप से विराजमान होना यहाँ अज्ञात है, और उन लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पर एक भगवान जो है बाबा गुप्त काशी के रूप में यहाँ पे विराजमान है और आशीर्वाद देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों तक ये इस जगह के बारे में जानकारी पहुंचे, और आस्थावान भक्त जिन्हें बाबा का आशीर्वाद लेने की इच्छा हो, अनुकंपा लेने की इच्छा हो, वो यहाँ आ सके। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आप ये देखिए गुफा की भीतरी संरचना है, और जो मैं पीछे की तरफ कर रहा हूँ वो आपको एग्जिट हमारा दिख रहा है कि हम कितनी दूर से इस गुफा के अंदर आए हैं। और अब मैं अपने जो है कैमरे को मूव करता हूँ बाबा के दरबार में। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है सारी चीजें सुशोभित हैं, और भक्तों की तरफ से थोड़ा बहुत श्रृंगार कर दिया गया है गुफा का। श्रृंगार आप देख सकते हैं, बाबा का श्रृंगार हमेशा होता रहता है, गुफा का भी आप देख सकते हैं कि श्रृंगार कितना बढ़िया हुआ है, और पूरी गुफा जो है सजी हुई है। और बाबा के नजदीक में अपना कैमरा ले जाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए आप जो है आस्थावान भक्तों ने जानकारी दी कि बाबा का आकार यहाँ पहले बहुत छोटा हुआ करता था, जो धीरे धीरे बढ़ रहा है और आगे इसी तरीके से बढ़ता रहा और आशीर्वाद लोगों को मिलता रहेगा। ये जगह जो है आपको मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि सोनभद्र में ये जगह ओबरा नामक जगह पर है, ओबरा नगर है, पास में पहाड़ है, सलई बनुआ बोलते हैं उस एरिया को, ये दिल्ली मारकुंडी एरिया में आता है। तो अधिक जानकारी के लिए यूट्यूब पर हमारी सारी डिटेल्स और लोकेशन इस पे जो है मेंशन रहेगी, और आप इसको जो है जीपीएस के माध्यम से भी ट्रैक कर सकते हैं। और इसको मैं भीतरी संरचना और अधिक दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, और अंदर जाइए तब और अंदर भी है। जो है आज जो है ये जितना भी देख रहे हैं ये सब प्राकृतिक है, ये है काली लक्ष्मी सरस्वती माता, जो अब जम्मू में वैष्णो माता के दरबार में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे पहले माता लोग का दर्शन होता है। ये हमारे गणेश भगवान है, जो पहले आप आएंगे तो वहाँ पे दर्शन पाएंगे, फिर आगे आएंगे तो माता पिता के सामने इनका हम पूजा करते हैं, फिर आगे हम माता पिता की तरफ बढ़ते हैं। ये भोलेनाथ और माई पार्वती है जिनका डेली जलाभिषेक होता है, और इनको डेली श्रृंगार किया जाता है, डेली इनका वस्त्र बदला जाता है, और डेली बाबा का भव्य श्रृंगार होता है, दोनों टाइम आरती होता है। ये विष्णु भगवान है, जितना बाबा का जलाभिषेक होता है पूरा पानी भोलेनाथ के चरणों में चला जाता है, जो इस पानी का कोई पता नहीं है। देखिए पानी कहाँ जाता है, मैं दिखा रहा हूँ आपको एक जो है यहाँ पर रास्ता है जहाँ से जल जो है बाहर या अज्ञात स्रोत को चला जाता है, पूरा माता पिता का हाथ पैर ये जो होल दिख रहा है यहाँ से बाबा को चढ़ाया हुआ जल जो है अज्ञात स्रोत की तरफ चला जाता है, ये चला जाता है, ये फूल वाला प्रसाद इस तरीके से जो है बाबा को चढ़ाया गया है, सजाया गया है। इधर ये जितना भी गुफा देख रहे हैं ये सब नेचुरल और प्राकृतिक है। आप ये देखिए बाबा का, जैसा कि यहाँ के युवा पुजारी ने बताया कि यहाँ पर ये गुफा और अंदर तक रास्ता गया हुआ है, सभी कुछ जो है सुंदर है, सुरम्य है, प्राकृतिक है। इस मंदिर को बचाने के लिए यहाँ पे यहाँ के भक्तगण ने बहुत हम लोग बहुत प्रयास तोड़ना चाहता और कुछ इस बात इस मंदिर को तोड़ना चाह रहा था, यहाँ से हर एक पत्थर हटाना चाह रहा था, वो पत्थर तोड़ के पूरा सीमेंट करना चाह रहा था, लेकिन जो जगत पिता है जगत माता है उनको कौन हटा सकता है, वो तो पृथ्वी पे अपने आप अपनी सृष्टि बनाए है ना। अब इनके तरफ जेपी ताका जेपी हर तरफ से खत्म हो गया है, ये सोनभद्र से नहीं, एमपी से नहीं, छत्तीसगढ़ से नहीं, हर जगह पूरे तरीके बर्बाद, हर जगह से वो बर्बाद हो गया, हर जगह से। और इस कंपनी को जाने से पहले यहाँ पे लहरी बाबा आए हुए थे, उन्होंने बोला था एमडी को मारा था एसडीएम को, जब साथ भगवान ने उनको मारा झापड़ अपने गाड़ी में बैठ गया, और अजय शर्मा को यही बात बोले कि अरे मूर्ख वो सिद्धपीठ धाम है, तुमने आज मुझे इतने बड़े बाबा से दरबार में मरवा दिया, पूरे इस एरिया को पूरा पुलिस से घेर रखा था इस जेपी ने, हाँ इस मंदिर को पूरा घेर रखा था, आगे काम चलाया था, उसकी पॉकलैंड खड़ी हो गई थी, वहां पे शेषनाग भी निकले हुए थे,
पूरा बहुत बड़े। अरे यहाँ भाई शेषनाग यहाँ पे आप सावन में आएंगे, सावन में आकर के दर्शन कीजिए। सावन में आएंगे तो यहाँ से देखिए आते हैं गणेश जी के पास से, यहाँ से आते हैं पिंडी पे बैठते हैं, यहाँ पे हम बाबा का श्रृंगार कोई भी चाहे जो भी जाते हैं, जो बाबा के यहाँ के प्रिय भक्त हैं, जो हमेशा के आने जाने वाले हैं, जो चीज को देखते हैं, जो भाव करते हैं, जो कमी बेसी को पूर्ण करते हैं, वो बाबा लोग हैं, हर कोई है, सब नहीं है। जो हम लोग करते हैं वो आके यहाँ बैठते हैं, वो डरते नहीं है। आप यहाँ पे कुछ सब कुछ पूजा करेंगे, वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आपका दूध पिएंगे, दूध पीने के बाद में आपके पास 10 बजे तक रहेंगे, 10 11 बजे तक, फिर अपना यहाँ पे आ जाएंगे गणेश जी के पास, गणेश जी के पास धीरे 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 फिर टाइल्स के पास आ जाएंगे, फिर जब आरती का समय होगा फिर अपना आके विराजमान हो जाएंगे। आपको सावन में हर एक दृश्य मिलेगा। आइए सावन में, सावन में आएंगे, सावन में आपको यहाँ पे, और उसके बाद महाशिवरात्रि में 40 से 50 हजार श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं। अच्छा, वो भीड़ रहती है, वो मेला रहता है कि आपको क्या बताया जाए, कि इनकी जो महिमा हम लोग बता ही नहीं सकते हैं। इतना भाव मिला है कि हम लोग सब कोई सेवा करने का मौका है, बस कर्म का कर। बाबा का निवास ऐसी जगह पर होता है, कहीं पर्वतों पे तो कहीं सारा खाली है, कहीं जितना भी गुफा जो है सबके बीच में, इधर पीछे स्पेस करिए, और उसके बाद अभी बजरंग बली का आपको स्थान दिखाएंगे हम लोग। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ गुफा कितनी अंदर तक दिख रही है, और इसमें इसमें काफी स्पेस है अंदर, लेकिन सभी कोई नहीं जा सकता, जिसकी इच्छा होगी, जिसको भगवान का बुलावा होगा वही इसमें जा सकता है। और अंदर देखिए आप कितना ठंडा और कितना खूबसूरत, और काफी भीतर तक इसमें स्थान दिख रहा है। आगे मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ। बाबा के दरबार में आशीर्वाद और अनुकंपा लेने के बाद हम लोग पुनः जो है यहाँ से गुफा से एग्जिट कर रहे हैं, और ये देखिए ये जो है ये गुफा में से निकलते हुए ये देखिए म्यूजिक जो सुना रहे हैं बाबा, इसको हम लोग सुनते हैं। जहाँ हमारा यज्ञशाला है, यज्ञशाला के आगे जो हमारा हैंड पाइप है इसकी धुन वहां तक जाती है, यानी कि बजरंग बली के पास पूरी गूंजती है। जी अभी हम लोग पूरी जी अभी आप लोग इसको बाहर से स्पेस करिए, मैं आपको स्पेस बाहर से दे रहा हूँ, आपको पूरी सुन जाएगी, गेट पे जाके सुन लेगा कि आपको किस तरह की आपको धुन दिखती है। एक मिनट के लिए ये हम लोग एग्जिट से बाहर निकल रहे हैं। गुफा का जो है संकरा रास्ता आप देख सकते हैं, ये निकलते हुए ये नीचे का इसका हिस्सा है, और ये भगवा रंग से इसका जो है द्वार रंगा हुआ है। हम लोग बाहर आ गए हैं, महादेव।